नाजीन, आज हम एक तजुर्बा करना चाह रहे हैं, और जो हम मास्क लगाते हैं फेस पे, दर हकीकत वो क्या चीज़ है? चले आए देखते हैं। जी, ये हमने पानी एक नीम गरम किया है, और इसमें हम ये जो मास्क है मास्क निकालेंगे। एक हेल्प कीजिएगा ज़रा मुझे, ये मास्क निकालेंगे, ये पकड़ना ज़रा यहाँ से। इसको लगाने के लिए हम पानी इसमें डालेंगे ताकि जो हमारे लिए आसानी हो मास, इसलिए हमने खोल के इसके साथ डालना है। तो इस पे हमने अब इसको जो है एक बर्तन, छोटे बर्तन में डाल के, और साथ में इस तरह से सेट किया है कप के ज़रिए कि इसकी जो पानी की जो सारी हीट है वो सारी मास्क के ऊपर आ जाए। अभी हम उसको चेक करेंगे। मास्क के ऊपर हीट आ रही है, इसको हम क्लोज करके मजीद देखेंगे। ये नाजरीन आप देख रहे हैं, ये कीड़ा ये देख नाजरीन, ये आप देख रहे होंगे सोंडी नुमा कीड़े हैं। मैं कैमरे को स्टेबल नहीं कर पा रहा, क्योंकि जूम मैंने बहुत क्लोज किया हुआ है। ये देखिए, मैंने स्टेबल करने की कोशिश की है इसको, और मज़ीद क्लोज नहीं कर पा रहा वो स्टीम की वजह से। ये देखें, ये निकल रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा हिल भी रहा है। अलग गौर करें, मज़ीद कहीं और भी तलाश करते हैं। ये देखिए नाजरीन, ये हिल रहा है, ये टांगें नज़र हिलती नज़र आ रही है नाजरीन। ये देखें, ये है हमारे मास्क के अंदर, ये हमारे मास्क में ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। ज़ाहिर है हमारे सांस के दौरान, ये मैंने अंदर वाली जो हम लेते हैं ना साइड, वो वाली चेक की है। बाहर पर तो बहुत ज़्यादा होंगे, अंदर में ही इतना ज़्यादा है। और भी हम देखते हैं किसी और जगह पे भी हमें नज़र आ जाए। वो भी नज़र आएगा, एक्चुअली मेरा कैमरा जो है वो उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा। ये देखिए नाजरीन, ये रियल वीडियो है नाजरीन, और इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि अगर हमने इसको क्रिएट किया है वीडियो को, ये पाकिस्तान की बात हो रही है। पहले मैंने काफ़ी वीडियो शेयर की थी इस मामले में, और लोगों ने कहा था कि ये हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं है, ये दूसरी कंट्री में हैं। लेकिन इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक तजर्बा किया है, मैं कहा चेक करते हैं कि क्या ये वाकई हकीकत है। और ये वाकई हकीकत है नाजरीन, ये देखें, ये एक और की यहाँ पर भी हमें मिल गया है, ये यहाँ पर। इसी तरह ही हम डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आई थिंक ये एग्स हैं, और ये हीट से और ये थोड़ा सा भी नमी से जो है ना, ये बन गए हैं जम्स, ऐसे ही है डॉक्टर साहब? जी, असल में ये लार्वा तो थे
जब आपने हीट किया है तो वो उससे बाहर आ गए, तो अब ये जो उन्होंने है एक्चुअल जो होते हैं जम, उसकी शक्ल इख्तियार कर ली है। तो ये हमारी जब हम सांस वगैरह लेते हैं तो ये जाहिर ही फिर हमारे साथ हम इनटेक कर रहे हैं इस चीज़ को। जी मोस्ट प्रॉब्ली बिल्कुल जा सकते हैं, हमें बचना चाहिए, इसलिए हम प्रेफर करते हैं जो आपके कॉटन है जिसको आप खुद से वॉश कर सकते हैं अपनी आंखों के सामने, आप मैं तो वो प्रेफर करता हूँ आप उनको यूज़ करें। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आप क्या कहेंगे आज के एक्सपेरिमेंट में, क्या आपकी राय क्या है इस बारे में? जी देखें साजिद साहब, मैं तो सिर्फ ये ऑब्जर्व किया आप लोगों ने, जैसे जो अंडे से बाहर आए हैं ये जम्स हैं, आपने मूवमेंट इसकी नोट की होगी, उसने फोकस किया था आपने, तो मैं तो इसमें हक में नहीं हूँ कि हम इस तरह के मास्क हम इस्तेमाल करें, स्पेशली जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, बाइक्स पे जा रहे हैं तो हवा में, तो ये हमारे साइंस सांस के जरिए इनटेक हो सकती है। तो वॉशेबल जो है कॉटन के इस्तेमाल करें, जो हमारे पता भी होता है, इस बात की श्योरिटी भी होती है कि जो है हम अपनी आंखों के सामने इसको वॉश कर रहे हैं, तो जम्स जाने के चांसेस नहीं होते, तो मैं उसको प्रेफर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि हमने एक तजर्बा किया है मास्क के ऊपर, मास्क के अंदर जो जो चीज़ें पाई गई हैं आप लोगों ने लाइव देख ली हैं, और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कपड़े का मास्क जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इससे क्या होता है कि आप इसे रीयूज भी कर सकते हैं, आप इसको सैनिटाइज करें डिटोल से, दोबारा से वॉश करके इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।